अभी एपिसोड देखने का है। ये चलो पापड़ बोल। साबुतिन राठौड़ की रंगीन दुनिया। हट विनय, बटोक नहीं सुनूंगा मैं। अरे एक बार तो विनय भाई की बात सुन लीजिए। क्या सुन लीजिए? बात। तो फिर जो करना है ना वो करना। विनय तुझे हंसी आ रही है? ये लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। अरे शांत बका शांत। बका बात ही है कि ये लोग बेचारे फंसे हुए हैं। ये लोग या हम लोग? विनय क्या हक है इन लोगों को तेरा मजाक उड़ाने का, और वो भी घर बुला के। तू जानता है चंदू काका ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि कोकिला घर पे है ही नहीं। वो इनको बिना बताए कहीं चली गई है और चंदू काका इस बात के लिए गुस्सा है और वो कोकिला की भड़ास हम पे निकाल रहे हैं। अच्छा, मैं अभी जाके चंदूलाल को आड़े हाथ लेता हूँ। पूछता हूँ उनको कि अपनी बेटी को तो संभाल नहीं सकते और हमारी बुराई करते। देखता हूँ क्या जवाब देते हैं। जवाब तो वो दे नहीं पाएंगे। और फिर जैसे कोकिला का गुस्सा हम पे उतारा, वैसे हमारा गुस्सा कोकिला पे उतार देंगे। क्यों हमारी वजह से उस मासूम लड़की को डांट पिला रहा है बटुक? मासूम मासूम कोई नहीं है वो। तुमने उसको देखा नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लो सुनो, तो तू कौन सा मिल चुका है? ओहो भाभी भूल गया है। ए बटुक, मैंने बताया तो था कि जब हम लोग मिले थे ने। हाँ याद आया, लेकिन अब करना क्या है? सबसे पहले तो मन में से गुस्सा निकालते हैं। हम तो मेहमान हैं, सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि कोकिला कहाँ है। फंसे तो बेचारे ये लोग हैं बटुक, क्या जवाब देंगे हैं? बोलो अब ये लोग क्या जवाब देंगे, ये भी हमारा टेंशन है। हाँ, क्योंकि वो कोकिला के माँ बाप हैं, उन्हें इस मुसीबत से कैसे बचाना है उसका जवाब मैंने सोच लिया है। क्या बोलूंगा कांता काकी को? नहीं 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 नहीं। बापू रगड़ी खमा बा आवी गया। हैं? अभी 2 मिनट पहले तो तू गया, इतनी देर में आ भी गई? बाबारी मिल गए, यहीं आ रहे थे। हैं? ए गनिया 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 क्या छे तू? अरे यार रंजन, रंजन का है रंजन। आप बैठो आप बैठो आप बैठो। हाँ बैठने का वक्त नहीं है, अब तो भाग दौड़ करने का वक्त आ गया है। हाँ ये लो, हाँ ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई विनय का रिश्ता तय हुआ है, इस खुशी में है। मतलब वो लोग पंडला गांव से आ गए? अरे आते ही होंगे, पर ये रिश्ता तय हो जाएगा ऐसा ज्योतिष बाबा ने बोला है, क्योंकि दिन और मुहूर्त दोनों शुभ है। अब बैठो। हाँ हाँ, मैं क्या बोलता हूँ? अरे बोल। मतलब ये जो ज्योतिष वाले बाबा लोग होते हैं ना, वो लोगों की बातों का इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे गनू, जिसके पास तेरे जैसा भाई बहन और रंजन जैसी भाभी हो, फिर उसको ज्योतिष की क्या जरूरत है? और ज्योतिष तो वही बोलते हैं ना, हाँ जो होता है, पर सब किया कराया तो आप जैसे भाई बहन लोगों का ही है ना। है वो बराबर है, लेकिन अरे तो क्यों चिंता करता है? तूने तो आज सबसे बड़ा काम कर दिया है, वो फरनाला में बात चलाई है। अब भगवान की दया से सब कुशल मंगल ही होगा। हाँ हाँ वो सब तो बराबर है काकी, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अब ये जो कोकिला है ना। कौन कोकिला? अरे विनय चंद जिसे देखने गया है वो कोकिला। कोकिला कितना सुंदर नाम है। अच्छा अच्छा काकी काकी पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये जो कोकिला है ना, वो कह नहीं सकते कि वो क्या बोलेगी। आज तक 500 लड़कों को वो मना कर चुकी है। एम? अरे इसमें भी भगवान का संकेत है। आज तक विनय को सब लड़कियां ना बोलती रही और कोकिला वह लड़कों को ना बोलती रही। बोल घनो, इसमें क्या मतलब है? आप लोग नहीं होते तो मेरे विनय का क्या होता? हाँ, आप ये क्यों कह रही है कि हम लोग है ना, हम लोग है ना, हम लोग तो है ही ना। लेकिन हम लोगों को है ना हर एक प्रकार के जवाब के लिए तैयार होना चाहिए। मतलब कि ये आजकल की लड़कियां जो है ना, उसका कोई भरोसा नहीं है। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? सब समझ रही। हाँ। पर अब तूने जब परनाला तक बात चलाई है तो कुछ सोच समझ कर ही चलाई होगी ना? हाँ, मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है। अरे चलो चलो, अभी से बैठे नहीं, बहुत काम पड़े हैं। ये लो रंजन को मिठाई दे देना और जल्दी जल्दी काम करो। अरे वाड़ी तय करनी है, फिर खाने का लिस्ट बनाने का है, महाराज को बोलने का है, कौन को त्रिबाटनी है, जान कैसे जाएगी वो भी तो तय करना है। चलो चलो काम करो, काम पूरा। बैठते क्यों? काकी मेरी बात सुने काकी। बात तो करनी पड़ेगी ना। चुप रहो ना अभी। बैठ जाइए, मैं वहां खड़ी हो जाती हूँ। आइए आइए। अब कैसा लग रहा है विनय चंद? दर्द थोड़ा कम हुआ होगा, है ना? दर्द तो बहुत कम है, बस थोड़ी सी सूजन है। अरे रे, आप पहली बार हमारे घर आए और इसे बाथरूम में फंस गए। अरे ना ना, ऐसा तो होता है। आप लोग बिल्कुल मन पे मत लेना है। अब वो सब छोड़ो, हम ये कहना चाहते हैं कि हाँ, हमको मालूम है कोकिला का ऐसा हुआ ना कि आज मैं कोकिला से मिलना नहीं चाहता। क्यों? अरे मैं कोकिला को बुलाती हूँ ना। कोकिला बेटा बाहर आना। ना ना काकी, आज ना मधुमक्खियों ने मेरा चेहरा ही बदल दिया है। तो मैं ये चेहरा लेकर तो कोकिला को देखना नहीं चाहता हूँ। हाँ ये बात है। कोकिला बेटा अभी बाहर मत आना। हाँ हाँ बाहर मत आना। दरअसल मैं चाहता हूँ कि कोकिला मुझे मेरे असली रूप में देखे, ऐसा मैं चाहता हूँ। अरे मैं भी यही चाहता हूँ। मेरी तो विनती है कि आपका चेहरा जल्दी से ठीक हो जाए और आप यहाँ वापस आए और मेरी कोकिला से मिले। ठीक है फिर, चलो तो हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चले, खाना तैयार है। हाँ, वैसे खाने की कोई खास इच्छा नहीं है। अरे जो खाना बन गया उसका क्या करेंगे, कुत्ते को डालेंगे? नहीं नहीं, आपको खाना खा के ही जाना पड़ेगा। चंदू काका, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आपके पूरे गांव में जितने कुत्ते नहीं है ना, उससे ज्यादा कुत्ते आपकी बातों में आते हैं, बराबर? अरे बटूक, बका एमनो प्राणी प्रेम जे है? हैं काका? ऐसा ही है हमारे हमारे पोल में। वो कांजी कुंभार है ने, वो भी बात बात पे अपने गधे को याद करता रहता है। सही बात है। वैसे अभी आप लोग घर कैसे जाएंगे? आपकी बस तो शाम की है। हाँ। नहीं नहीं, आपको खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। अरे हाँ, खाने की बात से याद आया, वो लाल रंग की दवाई आपको 2 बार लेनी है और नीम के पत्ते पानी में उबालकर आप पिएंगे ना तो मुंह की सूजन उतर जाएगी और आपका चेहरा खाना खाने से पहले ठीक भी हो जाएगा। मैं दवाई भेजती हूँ। सूजी, एक मिनट। सूजी, मुझे लगता है अब मुझे जाना होगा। अरे ऐसे कैसे जाना होगा, अभी खाना लगेगा। अरे बाबा, मैं तेरी सगाई के लिए आई थी, सगाई तो हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या घर पे वो लड़के वाले देखने आने वाले थे ना, तो मैंने उनके शरबत के ग्लास में जमाल गोटा, जमाल गोटा, हाँ जमाल गोटा मिला दिया। अब मुझे लगता है घर पे ज़रूर कुछ गड़बड़ हो गई होगी और पापा मम्मी को खूब डांटेंगे। मुझे चलना होगा। हाँ प्लीज़, तू समझ रही है ना? ठीक है जा, लेकिन संभल कर। हाँ ठीक है, चल बाय। विनय चंद, अच्छा हुआ तुम्हारे मुंह की सूजन उतर गई, वरना तुम खाना ही नहीं खा पाते। ओहो सुपाक है, मेरी सूजन नहीं उतरती ना तो भी मैं खा लेता था। बोलो जलसो पड़ी जैसे, सब मेरे पहचान की चीजें हैं, मीन्स के सब मेरे पसंद की चीजें हैं। लगता है कोकिला ने खाना बनाया है। हाँ हाँ, कोकिला से मिल नहीं सकते, लेकिन उसका हाथ का बना हुआ खाना तो खा ही सकते हैं ना। मुंह बंद रख, बराबर? एकदम बराबर। शो धूल बराबर। मुंह बंद रखूंगा तो खाना कैसे खाऊंगा? हैं? हाँ। माँ माँ, मुझे भी खाना खाना है। आओ तो रे। अरे नहीं नहीं नवीन, अभी मेहमान खाना खा रहे हैं, हम बाद में खा लेंगे। हाँ नहीं, मुझे मेहमान जी के साथ ही खाना खाना है। नवीन काका, अगर हमारे साथ बैठ के खाना चाहता है तो खाने दो ने, हैं? आपको आओ तो रे। नहीं नवीन, मैंने बोला ना अभी नहीं, बाद में खाएंगे। आप खाइए। मुझे मेहमान जी के साथ बैठकर खाना खाना है। मुझे मेहमान जी के साथ ही बैठकर खाना खाना है। मुझे मेहमान जी के साथ ही खाना है। मुझे मेहमान जी के साथ ही खाना है। तुझे मालूम है मेहमान क्या खाते हैं? क्या? मेहमान छी खाते हैं। आप खाओ। सुपर। काका, जय श्री कृष्ण। टाइम रखिए आपने। विनय, विनय, अरे तू यहाँ बैठा है, तेरा दर्द कुछ कम हुआ? हाँ दर्द अभी ठीक है, सूजन भी उतर गई है, बस कुछ दाग है ना? विनय, अपनी बस तो शाम को है, तो मैं जरा अंदर आराम कर लेता हूँ। बराबर बराबर। बटोक क्या हुआ? वो आदमी मुझे गोली मारने का। अरे तो तू अंदर आना चाहिए, मुझे क्यों बाहर बुलाया है? आने घूम गया। अरे भाग 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 भाग। अरे इधर इधर जा, अंदर जा। विनय जल्दी दरवाजा बंद कर दे जल्दी। अरे मुझे तो अंदर आने दे पहले। ओहो क्या हुआ, ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? काका आपके पड़ोस में वो पड़ोसी है ना, वो हमको बंदूक दिखा रहे हैं। कौन? जोरावर सिंह। हो नाम तो मैंने पूछा नहीं। अरे लेकिन मुझे तो मालूम है ना उसका नाम जोरावर सिंह है। तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन जान ना पहचान वो हमें क्यों बंदूक दिखा रहा है? वो जोरावर सिंह पागल है क्या? अरे पागल नहीं है, वो बदला लेना चाहता है। लेकिन काका हमने उसका क्या बिगाड़ा है कि वो हमसे बदला लेना चाहता है? अरे वो तुमसे नहीं मुझसे बदला लेना चाहता है। तो आप बाहर जाओ। अरे उसे मैं नहीं मेरे मेहमान चाहिए। मतलब कि क्या हुआ, थोड़े दिन पहले है ना बाहर खड़ा रखे मैं बंदूक साफ कर रहा था। आपके पास बंदूक है? आप तो व्यापारी इंसान है, आपको बंदूक रखने की क्या जरूरत है? वो बंदूक मेरी नहीं थी, बाजू के गांव वाले बापू की थी। वो हमारी अनाज की ट्रक आती जाती रहती है ना, तो उनको अपनी बंदूक दूसरे गांव भेजनी थी। तो ट्रक के अंदर बंदूक खराब हो गई, तो मैं उसको साफ कर रहा था, तो उसमें से गोली छूटी और जाकर लगी उसके मेहमान को। मतलब उसको नहीं लगी, उसके बालों को छू के चली गई। मींस के मेहमान बच गए। मेहमान बच गए लेकिन उसके बाल नहीं बचे है? उसने ना नकली बालों की वीक पहनी थी, वो गिर गई तो सब लोग हंसने लगे। तो जोरावर सिंह को बहुत गुस्सा आ गया। बोला इतनी सी बात। फिर क्या हुआ? तो मैंने उसके मेहमान को पूछा इस वीक का कितना पैसा हुआ? बोले तो मुंह पे मारता हूँ। बस इस बात का जोरावर सिंह को बुरा लग गया। उसने कहा तुमने मेरे मेहमान को मारा है, मैं तुम्हारे मेहमान को मारूंगा। बोलो इतनी सी बात। इतनी सी नहीं, ये बहुत खतरनाक बात है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना। अरे आप तो बैठे है काका, मगर वो तो बाहर खड़ा होके हमको बंदूक दिखा रहे हैं। फिकर मत करो, जोरावर सिंह का निशाना बहुत खराब है। वो निशाना तुम पे लेगा लेकिन गोली बाजू में जाएगी। अरे इसके बाजू में तो मैं होऊंगा ना। अरे तुम चिंता मत करो, वो तुम पे गोली चलाएगा तो क्या हम लोग चुप रहेंगे? अरे वो हमारे 2 मेहमान मारेंगे तो हम उनके 4 मेहमान को मारेंगे। अरे बंदूक का मुकाबला आप लाठी से करोगे? सन 47 में भी यही किया था, तब भी लाठी ही जीती थी। ए बटुक लाठी जीती थी ना, तो टेंशन नहीं है। अरे क्या टेंशन नहीं है, वो 47 में अहिंसा की बात कर रहे थे, ये हिंसा की बात कर रहा है। जल्दी से कोई अच्छा सा बहाना बना के यहाँ से निकलते हैं। क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि ये दोनों सन 47 से लड़ रहे। अरे निकलना भी चल। चेहरे की सूजन तो उतर गई है, दाग भी चले जाएंगे और मैं फिर से एक बार हीरो लगने लगूंगा। तो क्या करूं, थोड़ी देर रुक के कोकिला को मिल के जाऊं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.